हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक आज हम एथ स्टैंडर्ड का जोग्राफी चैप्टर नंबर टू इंटीरियर ऑफ द अर्थ स्टडी करेंगे इंटीरियर क्या यानी अर्थ के अंदर के अंदर के बारे में हम स्टडी करेंगे लेट्स रिकॉल इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू रॉक टाइप्स वर्लकैनोज एंड अर्थ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दैट वेन अर्थ अकर्स वॉट हैपन्स एग्जैक्टली हाउ आर इग्नियस रॉक्स फॉर्म्ड वॉट इज वलकैनो विच मटीरियल्स कम आउट ड्यूरिंग अ वोलकैनिक इराप्शन इन विच स्टेट ऑफ मैटर आर द मटीरियल आर दिस मटीरियल कूल और हॉट वाई सो यू आर वेलकम टू राइट योर आंसर इन कॉमेंट बॉक्स यू आर हैव टू डू द एक्टिविटी विध विध यो दिस इज एन एक्टिविटी ट्राई दिस बॉयल हाफ अ लीटर ऑफ मिल्क वैन द मिल्क कम्स टू अल्ड स्विच ऑफ द गैस कीपर लीड ऑन द वेसल लीड क्या है जो वेसिल के ऊपर हम प्लेट डालते हैं उसे लीड कहते हैं

In what form do you see the layer of matter on the milk? Remove this layer of matter. Take note of the difference in temperature of this matter and the milk. And answer the following questions. सो so, यानी क्या हमने यहाँ पर दूध को जो है उसे boil पर रखा है और कुछ टाइम के बाद उसको ढाक दिया है तो हम कुछ टाइम के बाद क्या देखते हैं स्टूडेंट हम एक लेयर दिखते हैं जो एक क्रीमी टाइप की होती है जो ऊपर कहते हैं ना मलाई जम जाती है तो वो क्रीम लेयर है और उससे जब हम हाथ में लेते हैं वो बहुत पतला सा होता है एकदम थिन लेयर होता है सो so आपको ये सब चीज़ को क्या करना है डिफ्रेंशिएट यानी देख करना है उसका टेम्परेचर में किस टाइप का मैटर है एंड मिल्क ठंडा हुआ या नहीं सो रिमूव द लेयर ऑफ द मैटर यानी जो वो लेयर जो ऊपर जम गई है उसको देखना है कि वो किस टाइप की है गन आर द सम क्वेश्चन वन द मिल्क वॉज केप्ट फॉर बॉइलिंग इन विच स्टेट वॉज इट यानी जब हमने मिल्क को बॉइलिंग के लिए रखा था तो किस स्टेट में था यानी वो रूम टेम्परेचर पे व्हेन द मिल्क वाज बॉइलिंग व्हाट डिड यू ऑब्जर्व जब मिल्क बॉईल हो रहा था तो हमने क्या देखा व्हाट हैड एक्युमुलेटेड ओवर द लीड ऑफ द वेसल यानी जब बॉईल हो रहा था तो हमने क्या देखा जो दूध था हमारा वो बॉईल होकर वो थोड़ा ऊपर आ रहा था थोड़ा बहुत हमने फेसेस उसके ऊपर देखा एक्युमलेट यानी किस टर्न कैसा हो गया लिड के ऊपर क्या आ गया हम देख सकते कि वाटर वेपर्स आ गए टेल वेदर द मैटर अक्यूमलेटेड ऑन द मिल्क इज लिक्विड और सॉलिड जो मैटर आया था मिल्क के ऊपर वो कैसा था लिक्विड था या सॉलिड फॉर्म में था तो so, हम उसको कहेंगे कि लिक्विड फॉर्म में था वो सॉलिड फॉर्म में नहीं वो कड़क नहीं रहता है स्टूडेंट्स आप इस एक्टिविटी को ज़रूर से आपके घर पर करना ये हम रोज ही मिल्क को बॉइल करते हैं सो so, आसानी से हम देख सकते हैं और ईजी भी हो जाएगा हमारे लिए सो so, वो थोड़ा सा एकदम थिन लेयर का होता है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा तो होता ही नहीं है so, सो हम उसे लिक्विड फॉर्म को कहेंगे वॉज इट कूलर और हॉटर देन द मिल्क बिलो क्या वो कूल cool था या हॉटर था Cool था जो हमारा क्रीमी मेटर था वो क्या है कूल cool है और जो नीचे मिल्क है हमारा वो नीचे गर्म ही रहेगा ऑन विच अदर सब्सटेंस कैन सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स बी कैरिड आउट यानी ऐसे कौन से कौन से हम सेम सब्सटेंस के साथ में ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकते अब हमारा जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन आता है अब हम देखते हैं जो टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेनेशन दिया है इस चीज़ का

सो so, ऊपर की जो लेयर है क्रीमी वो बहुत जल्दी से ठंड भी हो जाती है अ सिमिलर प्रोसेस अकर्ड वेन द अर्थ कूल तो सेम चीज़ यहाँ पर क्या है ये हमें एग्जाम्पल दिया है मिल्क का तो सेम थिंग यहाँ पर अर्थ का भी है सो द साइंटिस्ट अनैनिमसली बिलीव दैट द अर्थ वॉज फॉर्मड आउट ऑफ सोलर सिस्टम इट सेल्फ अर्थ किससे खुद बना है सोलर सिस्टम से इनिशियली एट बिगनिंग इनिशियली का मतलब होता है एट बिगनिंग यानी कि एट स्टार्टिंग पॉइंट अर्थ वॉज ए गैशियस हॉट बलून अर्थ कैसा था एकदम गर्म बलून जैसा था इट कूल डाउन एज इट रोटेटेड अराउंड इट सेल्फ वो कूल डाउन कैसा हुआ जैसे जैसे वो गोल घूम रहा था अपने आप वो कूल होते गया द प्रोसेस ऑफ कूलिंग टुक प्लेस फ्रॉम द आउटर सफिस टूवर्ड्स द अर्थ सेंटर प्रोसेस कैसा था कूलिंग का फ्रॉम द आउटर सफिस बाहर सर्फिस से लेके अंदर सेंटर वाले सर्फेस तक का एज अ रिजल्ट द आउटर लेयर जो क्रस्ट है ऑफ द अर्थ बिकम्स कूलर एंड सॉलिड बट एज वी मूव फ्रॉम सॉफेज टू द कोर इट इंक्रीजेज एंड एट सडन डेप्थ द इंटीरियर ऑफ अर्थ इज सेमी लिक्विड यानी अर्थ बाहर का कैसा है कूलर है और अंदर कैसा है सेमी लिक्विड है यानी कि हाफ लिक्विड है डेप्थ का मतलब क्या होता है बॉटम जो बिल्कुल नीचे उसे बॉटम देते हैं मैन हैज़ ऑलवेज बीन इनक्विज़िटिव अबाउट वॉट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ यानी हम हमेशा बहुत फाइंडिंग uh, आउट करते हैं उस चीज़ को इन in, इनक्विज़िटिव को बोलेंगे फाइंडिंग आउट बहुत uh, चीज़ के लिए क्यूरियस हो जाते हैं क्यूरियस एक्साइटेड हो जाते हैं उस चीज़ को जानने के लिए बहुत इंटरेस्टेड कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ में क्या है और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द अर्थ इंटीरियर हैज़ नॉट बेन पॉसिबल एज यट यानी डायरेक्टली हुआ ही नहीं है इंटीरियर क्या है अर्थ का वो पॉसिबल ही नहीं है थ्रू वेरियस मेथड्स द साइंटिस्ट हैव टू अबाउट द सेम टू इन्फर अबाउट दिस स्टडी ऑफ द मटीरियल कमिंग आउट ऑफ अ वालकैनिक इप्शन एंड द सिस्मिक वेव्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्टिमेट का मतलब क्या होता है कैलकुलेट करना इन्फर का मतलब है रीज़न देना सो so, ऐसे इसके ऊपर स्टडी चल रही है और जो मटेरियल्स वॉल्कैनिक इराप्शन में से आते हैं वो क्या है सेसमिक वेव्स? इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीस्मिक वेव्स क्या है स्टूडेंट्स? मूवमेंट ऑफ लैंड ड्यूरिंग अर्थक्विक अर्थक्विक्स के टाइम पर जो मूवमेंट होता है लैंड में उसे सीस्मिक वेव्स कहते हैं मेटा कमिंग आउट ऑफ वॉल्कैनिक इराप्शंस कंसिस्ट ऑफ हॉट मैगमा स्टीम एक्सेट्रा कंसिस्ट का मतलब होता है कंटेंट उसमें क्या होता है जब ओलकैनिक इरप्शन होता है तो उसमें क्या रहता है हॉट मैग्मा गैसेस एंड स्टीम वन लावा कूल्स एंड सॉलिडिफाइज जब लावा कूल cool हो जाता है और सॉलिड में टर्न होता है इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड फिर क्या बनता है इग्नियस फॉर्म बन जाता है लावा है वो ठंडा होता है ठंडे के बाद क्या होता है सॉलिड फॉर्म में आ जाता है और इग्नियस फॉर्म रॉक इग्नियस रॉक्स जो है वो बन जाता है थ्रू द एस्टिमेट्स ऑफ द स्टडी ऑफ टेम्परेचर डेंसिटी ग्रेविटेशनल फोर्स एंड प्रेशर द इंटीरियर ऑफ द अर्थ वॉज अंडरस्टूड फॉर इंस्टेंट्स इंस्टेंट्स का मतलब होता है एग्जाम्पल वेन वी गो डीप इन टू अ माइंड वी फील एन इंक्रीज इन टेम्परेचर सिमिलरली द मैगमा कमिंग आउट ऑफ वोल्ड कैनोज फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर इज हॉट जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर पता है कि माइंड यानी जो कोई खदान में हम जाते हैं तो क्या फील होता है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर फील करते हैं सिमिलरली जो मैग्मा आता है वोलकैनो से तो अर्थ का इंटीरियर कैसा होता है बहुत ही गर्म होता है सच एस्टिमेशन जो कैलकुलेशन है वो मेड बाय द जियोलॉजिस्ट ये जियोलॉजिस्ट इस सब चीज को एस्टिमेट करते हैं कैलकुलेट करते हैं सेवरल सेवरल का मतलब होता है मेनी अर्थक्वेक्स अकर इन वेरियस प्लेसेस ऑन द अर्थ एवरी ईयर एवरी ईयर में अर्थक्वेक अकर होता ही है सीस्मिक वेव्स आर जनरेटेड जनरेट का मतलब होता है प्रोड्यूस यानी सीस्मिक वेव्स होती है दिस वेव्स ट्रैवल थ्रू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड दिस वेव्स कहाँ पर ट्रेवल करती है इंटीरियर ऑफ द अर्थ में द स्टडी ऑफ द डायरेक्शन अर्थ उसका uh, हम देख सकते हैं तो वो सब बताता है कैलकुलेट करता है मैन हैज ऑल्सो ट्राई टू डिग डी बोर होल्स इन द इंटीरियर टू नो मोर अबाउट द सेम तो ऐसे ही मैन ने भी बहुत कुछ ट्राई किए डिग डीप बोर होल्स जिससे इंटीरियर हमें पता चले थिंक अबाउट इट कैन वी डिग डीप मोर वन साइड ऑफ द अर्थ एंड कम आउट फ्रॉम द अदर साइड राइट योर इमेजिनेशन इन योर नोट बु कैन डिस्कस इन क्लास सो दिस इज एन एक्टिविटी जस्ट एन इमेजिनेशन क्या हम एक तरफ से डिग करेंगे अर्थ को और दूसरी तरफ से हम निकल सकते हैं डू यू नो अवर अर्थ वॉज फॉर्म अप्रॉक्सिमेटली फोर पॉइंट सिक्स बिलियन ईयर्स अगो इनिशियली द अर्थ वॉज इन अ गैशियसटेड इट्स स्टार्टेड कूलिंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन

इंटीरियर ऑफ द अर्थ कॉम्पोजिशंस क्या है यह वापस एक ट्राई दिस एक्टिविटी आती है कैरी आउट दिटी बातें पिक्चरबल इन द मार्केट मेक द रेड बॉल बिगर रोल आउट द येलो कलर बॉल यू विल गेट अ फ्लैट रोटी लाइक स्ट्रक्चर प्लेस द रेड कलर बॉल इन साइड द येलो वन लाइक यू पिल पुरन पोली Give it to the shape of a sphere. Now roll out the blue ball and fill the yellow one in it as done earlier. Make a sphere out this to this. Show the continents in yellow on this sphere like a globe. Now your globe made from clay is ready. To see the interior of the earth, cut the sphere exactly in half. You can see various layers of colors inside, like the layers of the earth's interior. Name this layer. सो स्टूडेंट्स दिस इज एन डायग्राम शोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटीरियर्स ऑफ अर्थ यानी अर्थ के अंदर का इंटीरियर यहाँ में ये डायग्राम बता रहा है फर्स्ट क्या है इनर कोर आउटर कोर थर्ड मेंटल एंड लास्ट वन इज द क्रस्ट जो आउटर लेयर है क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ओशनिक क्रस्ट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ नोइंग द इंटीरियर ऑफ द हर्थ जो हमने अभी पहले वो एक्टिविटी पढ़ा है उसमें क्या क्या जरूरत है पेंसिल एंड इट्स uh, अ कलरफुल ग्ल्यू और समथिंग स्पार्कल वन देन क्ले चाहिए ब्लू कलर का येलो एंड रेड कलर वन एंड एक नाइफ चाहिए सो so, ऐसे हमें स्टेप करके वी कैन डू दिस एक्टिविटी ऐसे बॉल बनाना है उसके बाद येलो एक रोटी टाइप स्ट्रक्चर करना है उसके बाद उसमें हमें जो रेड कलर का बॉल है वो डालना है फिर सेम उसे भी बिल्कुल एक बॉल बना देना है ऐसा कवर कर देना है देन आफ्टर वर्ड्स इन एथ स्टेप यू ऑल कैन सी द सेम थिंग विच वॉज डन इन येलो वन फिफ्थ टाइप का ऐसे ही बिल्कुल रोटी टाइप बनाना है फिर हमें इसके अंदर येलो वाला कर देना है पहले यहाँ क्या था रेड वाले को हमने बॉल बनाया फिर बाद में येलो क्ले को लिया येलो क्ले को हमने रोटी टाइप बना दिया उसमें हमने इस रेड कलर वाले बॉल को ऐसे रख दिया फिर हमने उसका सेम बॉल बना दिया एग्जैक्टली सेम थिंग यहाँ पर ब्लू कलर का क्ले क्ले लेना है उससे भी रोटी जैसा स्ट्रक्चर में डालना है फिर जो येलो वाला था हमारा बॉल उसे भी ऐसे करके बॉल बना देना है और ये क्या है जो लाइंस ऊपर बनाने के लिए यहाँ पर एक ग्लू टाइप समथिंग यूज हुआ है येलो कलर का जो है एंड देन आफ्टर वर्च जब हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ हम देखेंगे जब कट करेंगे तो हमें एक्जैक्टली exactly सेम इस डायग्राम की तरह लगेगा यानी पहले क्या है कोर है आउटर कोर मेंटल यानी यहाँ पर कितने लेयर्स आए हैं टोटल थ्री लेयर्स आए हैं सो so, अब हम यहाँ पे जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखते है वाई गोइंग फ्रॉम द अर्थ सर्फेस टू इट्स कोर मेजर चेंजेस अकर इन प्रॉब टेम्परेचर एंड डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू दिस टू एलिमेंट द अर्थ इंटीरियर कैन बी डिवाइडेड इन टू फॉलोइंग लेर्स यहाँ पर क्या है लेयर्स ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कितने क्रस्ट मेंटल एंड कोर क्रस्ट में क्या है कॉन्टिनेंटल मेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट मेंटल में आता है अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल कोर में है आउटर कोर एंड इनर कोर सो ऐसे हमें ईजिली याद हो जाएंगा और हम उसे ध्यान में भी रख सकते हैं फर्स्ट द क्रस्ट द अपर मोस्ट अपर मोस्ट का मतलब क्या है सबसे ऊपर ऊपर वाला सो क्या है अपर द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द द अर्थ इज इज इन सॉलिड स्टेट एंड कॉल्ड क्रस्ट वो किस स्टेट में है सॉलिड स्टेट में है उससे क्या कहते हैं क्रस्ट द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट इज नॉट द सेम एवरीवेयर जो थिकनेस है क्रस्ट की वो हर जगह पर सेम नहीं होती है ऑन एन एवरेज इट इज थर्टी टू थर्टी फाइव किलोमीटर थर्टी टू थर्टी फाइव किलोमीटर है अब यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स एक एक और एक डायग्राम आया इमेज शोइंग अर्थ इंटीरियर अब ये क्या हमें बता रहा है इससे तो हमें बहुत अच्छे से याद कर लेना चाहिए अर्थ सेंटर इनर कोर फिर आउटर कोर आता है मेंटल जो सॉलिड फॉर्म में है और हमारा यहाँ पर क्या है लिथोस्फियर है सो दिस इज मेंटल लोअर मेंटल एंड देन कोर इनर कोर विच इज इन लिक्विड आउटर कोर इज ऑल्सो इन लिक्विड एंड लिथोसर यहाँ से हंड्रेड किलोमीटर पे है क्रस्ट एंड मेंटल यहाँ यहाँ पर या पर क्रस्ट और ये पूरा हमारा मेंटल है सो so अब यहाँ देखते हैं थिकनेस ऑफ द क्रस्ट बिलो द कॉन्टिनेंस फ्रॉम सिक्सटीन टू फोर्टी फाइव किलोमीटर फोर्टी किलोमीटर अंडर द माउंटेन रेंजेस एट लेस देन टेन किलोमीटर अंडर द ओशंस माउंटेन रेंजेस के अंदर कित है फोर्टी किलोमीटर और उससे कम टेन किलोमीटर अंडर द ओशन होता है एज वी मूव डीपर अंडर द सर्फिस टेम्परेचर इंक्रीजेस जैसे ही uh, जैसे ही हम डीपर अंदर अंदर जाएंगे सर्फिस के तो टेम्परेचर कैसा इंक्रीज यानी बढ़ जाता है और हाई हो जाता है इंक्रीजेज यानी हाईअप आफ्टर दैट द रेट ऑफ द इंक्रीज इन टेम्परेचर रिड्यूस एंड अगेन इंक्रीजेस इन द कोर फिर क्या होता है वापस से जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है और वापस से बढ़ जाता है कहाँ पर कोर में एज द सेंटर ऑफ द अर्थ द टेम्परेचर इज अराउंड फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड डिग्री टू सिक्स थाउजेंड डिग्री सेल्सियस द क्रस्ट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स वेन कंपेयर टू द मेंटल एंड द कोर जो क्रस्ट है वो क्या है यानी बहुत ही ज्यादा पतला है सब लेयर्स में अगर हम कंपेयर करने जाओ मेंटल एंड कोर को इट कैन बी डिवाइडेड इन टू सब लेयर्स उसका कितने कितने में हम डिवाइड कर सकते सब लेयर्स में अब आता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट द कॉन्टिनेंटल द कॉन्टिनेंट आर मेनली कंपोस्ट ऑफ सिलीका सिलिका इज द कंपाउंड ऑफ सिलीकॉन एलिमेंट एंड एल्यूमिनियम बिकॉज ऑफ द हाई प्रपोर्शन इन दिस लेयर द लेयर वॉज अर्लियर नोन है क्या है एल्यूमिनियम और सिलिकॉन को जो सिलिका और एल्यूमिनियम को यहाँ पर मिलाया जाए तो उसे क्या कहते हैं सियाल कहते हैं एस आई सिलीका का एंड ए एल एल्यूमिनियम का तो सियाल प्रपोशन यानी कि अमाउंट यानी इसका जो अमाउंट है ये एकदम हाई प्रपोशन में हो जाता है हाई अमाउंट में इन लेयर वॉज अर्लियर नोन सियाल तो इस लेयर को पहले क्या कहते थे थिकनेस ऑफ दिस लेयर इज approximately थर्टी kilometers. इसका लेयर जो थिकनेस है इस लेयर की वो अराउंड कितनी है अप्रॉक्सीमेटली का मतलब होता है अराउंड जो फिगर हम लगा सकते हैं यानी हमारा अंदाजा लगा सकते हैं तो कितना है थर्टी किलोमीटर ग्रेनाइट रॉक्स आर मेनली फाउंड इन दिस लेयर और इस लेयर में हमें कौन से रॉक्स मिलते हैं ग्रेनाइट रॉकस यहां पर फाउंड होते है इस लेर में ओशनिक क्रस्ट दिस इज द सेकेंड लेयर ऑफ द क्रस्ट ओशनिक क्रस्ट क्या है सेकेंड लेयर है इट इज मेड अप ऑफ सिलीका एंड मैग्नीजियम इट वॉज अर्लियर कॉल्ड सीमा तो इससे पहले क्या कहते थे सीमा ये सब हमें ध्यान रखना है हम इसे हाईलाइट कर सकते है इट वॉज अर्लियर कॉल्ड ए सीमा दिस लेयर इज अप्रॉक्सीमेटली सेवन टू टेन किलोमीटर थिक इसका लेयर कितना है सेवन टू टेन किलोमीटर थिक है द डेंसिटी ऑफ दिस लेयर इज टू पॉइंट नाइन जी एम और सी एम क्यूब टू थ्री पॉइंट थ्री जी एम सी एम क्यूब इन दिस लेयर बेसॉल्ट एंड गैब्रो रॉक्स आर मेनली फॉर्म इस लेर में हमें कौन सा रॉक्स मोस्टली फाउंड होता है गैब्रो एंड बेसॉल्ट और हमें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में क्या फाउंड होता था ग्रेनाइट रॉक्स और इनका जो डेंसिटी है टू पॉइंट सिक्सटी फाइव एंड टू पॉइंट नाइन्टी इसका अप्रॉक्सीमेटली हमने थिकनेस देखा था थर्टी किलोमीटर एंड यहाँ पर क्या है हम देख सकते हैं ओशनी क्रस्ट में सबका डिफरेंट डिफरेंट है ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पर कुछ एलिमेंट जो फाउंड हुए थे वेरियस लेयर्स में इंटीरियर क्रस्ट डेंसिटी लो एंड हाई सिलिकॉन यानि सी आई एल्यूमिनियम को ए एल सिलिकॉन को सी आई एंड मैगनीजियम को एम जी डू यू नो देर इजीन्यूटी बिटवीन द कॉन्टिनेंटल क्लस्ट एंड द ओशनी क्रस्ट इट वॉज फर्स्ट डिड्यूस बायटिस्ट कॉल्ड कॉन्रेड एंड इज नेम्ड आफ्टर हिम एस कॉन्ड डिसकंटिन्यूटी यानी एक साइंटिस्ट थे जो वो डिड्यूस कर रहे थे देख रहे थे साइंटिस्ट कॉल कॉन्ड्रट यानी इनका नाम क्या था कॉन्डर्ट फिर बाद में उनका नाम क्या रख दिया गया कॉन्ड्रेट डिसकंटिन्यूटी देर इज डिसकंटिन्यूटी बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल टू यानी डिसकंटिन्यूटी क्या है क्रस्ट और मेंटल के बीच में भी द डिसकंटिन्यूटी वॉज रिड्यूसड बाय साइंटिस्ट कॉल मोहम मोहरो मोहोरोविक मोहरोविस्क दिस इज अ डिफिकल्ट वर्ड टू प्रोनाउंस मोहरोविसिक इट हैज बिन नेम आफ्टर हिम एस मोहो डिसकंटिन्यूटी फिर बाद में इनका भी नाम क्या रख दिया गया मोहन डिसकंटिन्यूटी दिस इज जस्ट टू नो दिस इज एंड जस्ट ऑन जनरल नॉलेज दैर इज डिसकंटिन्यूटी बिटवीन मेंटल एंड कोर टू इट हैज बीन नेम्ड आफ्टर ग्यूटन बर्ग असू डिस्कवर्ड इट तो ग्यूटेनबर्ग ने इसको क्या किया डिस्कवर्ड किया यानी फाउंड आउट किया था इस चीज को अब हम यहाँ पर देखते हैं मेंटल सो स्टूडेंट्स मेंटल क्या है बिलो द क्रस्ट लाइज द मेंटल क्रस्ट के नीचे क्या है मेंटल आता है मेंटल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू लेयर्स अपर एंड लोअर मेंटल uh, को हम किस चीज में डिवाइड कर सकते हैं अपर लेयर एंड लोअर लोअर मेंटल यानी अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल द अपर लेयर इज मोर इन लिक्विड स्टेट अपर लेयर किस स्टेट में है ज्यादा लिक्विड स्टेट में हियर वन फाइंड मैग्मा चें्बर्स यानी मैग्मा चेंबर भी यहाँ पर देखा जाता है इट इज थ्रू दिस चेंबर्स दैट मैग्मा कम्स आउट ऑफ द अर्थ सर्फेस ड्यूरिंग वोलकैनिक इरपशन यानी चेंबर्स यानी कि उसके रास्ते यूं यूं यह सब बन जाते हैं यानी जैसे हम देखते रास्ते होते हैं वैसे ही यहाँ पर यहां से वहां से रास्ते जो इनका चेंबर जो है वो बन जाता है और उससे क्या निकलता है मैग्मा आता है आउट ऑफ द अर्थ सर्फिस से ड्यूरिंग वर्कैनिक इप्शन दिस लेयर इज ऑल्सो नोन एज एस्थेनोस्फियर एस्थेस्फियर किधर आते हैं स्टूडेंट्स अंडर लिथोस्फियर यानी लैंड के नीचे लिथोस्फियर के नीचे एस्थेनोसफियर आता है एपिक सेंटर यहाँ पर क्या जो क्वेक्स uh, है वो यूजुअली यहाँ पर दिखते हैं फोर्टी टू किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सर्फिस मेंटल बिगनस एट डेप्थ यानी उसका जो बॉटम है वो कितने अराउंड है लगभग फोर्टी टू किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सर्फिस द इंटरनल एनर्जी रिलीज ड्य मूवमेंट अकरिंग इन द लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माउंटेन बिल्डिंग रिफ्टैनिक एक्सेट्रा जो इंटरनल एनर्जी वो क्या रिलीज करती है एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स, एंडोजेनेटिक मूवमेंट क्या स्टूडेंट वर्टिकल एंड हॉरिजोंटल यहां पर हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है वी एंड एच एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स क्या होते हैं वर्टिकल एंड हॉरिजोंटल सो किस मूवमेंट्स में आते हैं एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स वर्टिकल और हॉरिजोटली मूवमेंट यहाँ पर फॉर्म करते हैं वो कैसे अकर करते हैं इन लेयर्स जैसे कि माउंटेन बिल्डिंग होता है रिफ्ट वोलैनिक इरप्शन बन जाता है यहाँ पर वोलकैनो का माउंटेन बन जाता है रिफ्ट रिफ्ट के स्टूडेंट्स जो यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं बिल्कुल चेम्बर्स के जिससे जो रस्ते बन जाते हैं यानी एक लैंड है यहाँ पर ये लैंड है और उस लैंड को वो डिवाइड कर देता है यानी उसे अलग कर देता है अपार्ट कर देता है उसे रिफ्ट कहते हैं रिफ्ट का वी कैन वी सी द पिक्चर ऑन गूगल इजीली तो हमें समझ जाएगा वोल कैनिकरप्शन अर्थ क्विक्स एक्सेट्रा इन दिस लेयर इट इज इन्फर्ड यानी कैल्कुल कंक्लूड करा है दैट देशर एट अ डेप्थ ऑफ टू थाउजेंड फोर हंड्रेड टू 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 थाउजेंड नाइन हंड्रेड किलोमीटर डेप्थ वुड बी अराउंड

एंड इट इंक्रीजेस विद डेप्थ और वो उसके डेप्थ के साथ में भी बढ़ जाता है।, है कोर कोर में यहाँ पर कितने हैं टोटल टू आउटर कोर एंड इनर कोर सो द कोर स्टार्ट फ्रॉम अराउंड द डेप्थ ऑफ अबाउट टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सर्फेस द पार्ट ऑफ़ द अर्थ इंटीरियर एक्सटेंडिंग यानी कि लार्ज एंड लार्ज और इंक्रीज यानी वो बढ़ जाता है फ्राम द मेंटल अप टू सेंटर ऑफ द अर्थ इज़ द कोर द थिकनेस ऑफ द कोर इज़ अबाउट थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड सेवेंटी वन किलोमीटर दिस लेयर कैन भी डिवाइडेड इन टू आउटर कोर एंड इनर कोर सो इस कोर को हम डिवाइड कर सकते हैं टू टाइप्स आउटर कोर एंड इनर कोर आउटर कोर पहले पढ़ते हैं आउटर कोर एक्सटेंड्स फ्राम अराउंड टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड किलोमीटर टू फाइव थाउजेंड हंड्रेड किलोमीटर द सेकेंडरी वेव्स कैन नॉट पास थ्रू द कोर सेकेंडरी वेव्स इससे पास नहीं करती है दे गेट ऑब्जर्व इन दिस रीजन दिस हैजेड दाइंटिस्ट टू बिलीव दैट द कोर कुड बी लिक्विड और सेमी लिक्विड इन नेचर सो साइंटिस्ट ने क्या बिलीव किया यानी क्या कंसिडर किया कि कोर लिक्विड या तो सेमी लिक्विड में है नेचर में द प्राइमरी वेव्स ट्रेवल थ्रू दिस लेयर जो प्राइमरी वेवस है वो ट्रैवल करती है इस लेयर से बट दियर स्पीड रिड्यूसेस व्हेन पासिंग थ्रू दिस लेयर जो उनकी स्पीड क्या रिड्यूस हो जाती है यानी कि लो हो जाती है डिक्रीज हो जाती है जब वो इस लेयर से पास होते हैं द डेंसिटी ऑफ आउटर कोर इज 9.8 पॉइंट एट क्यूब द टेंपरेचर ऑफ द लिक्विड आउटर कोर इज अराउंड 5000 डिग्री सेल्सियस वी हैव लर्न दैट द आउटर कोर ऑफ द अर्थ इंटीरियर इज इन लिक्विड स्टेट एंड द प्रपोर्सन ऑफ आयन इज मोर इन दिस लेयर तो हमने क्या देखा में Earth's के इंटीरियर में लिक्विड स्टेट में है और जो उसका अमाउंट है प्रपोर्शन है वो आय मोर है इस लेयर में वर्टिकल करेंट्स ओरिजिनेट इन दिस लिक्विड लेयर दिस इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस एरिया द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द आउटर एंड इनर कोर गिव्स राइज टू वर्टिकल करेंट द अर्थ रोटेशन गिव्स द एडी सर्क्यूल एडी यानी कि सर्क्यूलर मोशन है सर्क्यूलर मोशन क्या हमारा ये राउंड इलेक्ट्रिक करंट डेवलप इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होता है इन दिसरल एडीज ऑफ लिक्विड आयर एंड दस मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड तो ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट हो जाता है यानी क्रिएट हो जाता है प्रोड्यूस करता है स्पायरल एडीज के स्टूडेंट सी सर्फिस पैटर्न है यानी ऐसे बिल्कुल गोल 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 जैसा एक जगह पर हो जाता है दिस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज फंक्शनल इवन आउट द अर्थ सर्फिस फॉर क्वाइट अ डिस्टेंस एज अ रिजल्ट अ कवर डेवलप्स अराउंड अर्थ बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड द अर्थ एटमोस्फियर इज प्रोटेक्टेड फ्राम सोलर मीन्स जो अर्थ का एटमोसफियर है वो किससे प्रोटेक्टेड है सोलार विंड से सो वी हैव टू हाईलाइट दिस वन विच कमिंग फ्रॉम द सन किस से आती है वो सन से द मैग्नेटिक फील्ड डज डेवलप्ड अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड मैग्नेटोस्फीयर जो मैग्नेटिक फील्ड है डेवलप्ड हुई है अराउंड द अर्थ के तो उसे क्या कहते हैं मैग्नेटोस्फियर वी शुड ऑल दिस वर्ड्स वो क्या है मैग्नेटोस्फियर an है दिस इज द फिफ्थ एंड एन इम्पोर्टेंट स्फियर ऑफ द अर्थ ये फिफ्थ इंपॉर्टेंट स्फियर है अर्थ का सी फिगर टू पॉइंट थ्री इन टू पॉइंट मैग्नेटोस्फियर एंड इन बी इज अर्थ अ मैग्नेट बी क्या है अर्थ अ मैग्नेट इन अर इन अ कोर एक्सटेंड फ्रॉम अराउंड फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड एंड फिफ्टी किलोमीटर टू किलोमीटर थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटी अर्थ सेंटर वो किस में अर्थ सेंटर में इट इज द कोर ऑफ द अर्थ विच इज इन अ सॉलिड स्टेट जो कोर है अर्थ का वो किस स्टेट में है सॉलिड स्टेट में द डेंसिटी ऑफ दिस फियर इज अराउंड थर्टीन पॉइंट थ्री जी एम सी एम क्यूब आयन एंड निकल आर द मेजर एलिमेंट फाउंड हियर तो यहाँ पर कौन से ज्यादा फाउंड होते हैं एलिमेंट्स आयन और निकल द फॉर्म दिस लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड नाइफ इसीलिए इस लेयर को नाइफ भी कहते हैं क्योंकि इन दोनों का क्या है स्टूडेंट ज्वाइंट किया गया है आयन और निकल को निकल क्या है एन आई और एफ ई क्या है हमारा आयन है एज द मटीरियल इन दिस लेयर आर अंडर एक्सट्रीम प्रेशर द इनर कोर इज इन सॉलिड स्टेट अगर ये एक्सट्रीम प्रेशर के अंदर है एक्सट्रीम यानी कि बियॉन्ड इस बहुत ही ज्यादा प्रेशर में जो इनर है वो कोर का कौन से स्टेट में सॉलिड में द टेम्परेचर हियर इज ऑलमोस्ट इक्वी वैलेंट टू द सर्फेस टेम्परेचर ऑफ द सन तो जो टेम्परेचर यहाँ पर होता है वो ऑलमोस्ट सर्फेस टेम्परेचर ऑफ सन के इक्वल रहता है इक्वीवेंट का मतलब है इक्वल यानी कि सिमिलर यूज योर ब्रेन पावर As you go in the interior of the earth, guess what changes will you notice in your weight? Try to find out the reason behind it. Always remember, could observe the velocity curves of the given seismic waves. You have the picture of diagram A and B. The left curve in figure A shows the velocity of secondary. यानी कि एस वेव्स का मतलब है सेकेंडरी वेव्स वाइल द कर्व ऑन द राइट शोज प्राइमरी यानी कि पी वेव्स देर आर मेनी चेंजेस अकरिंग इन द कर्व ऑफ सेकेंडरी सेकेंड्रीव् सेकेंडरी को एस दिया है प्राइमरी को पी द कर्व ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ डॉट शोज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द वेव्स द कर्व ऑफ द सेकेंडरी वेव सीम्स टू हैव एन एंडेड अराउंड द डेप्थ ऑफ टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड किलोमीटर चेंजेस आर विजिबल इवन इन द कर्व्स ऑफ द प्राइमरी waves the velocity of the primary waves increases according to depth till 2900 km the velocity of secondary waves is around to 800 km per second around the boundary of the outer core and the curve has stopped there these waves do not enter the core at 2900 km the velocity is around 12 km per second but when it enters the core the velocity reduces to 800 km per second सी दिस एज शोर इन द डॉट कव यहाँ पर डॉट कर्व में यहाँ पर बताया है एज वी कैन सी इन फिगर ए एंड बी द डेंसिटी कव ऑफ द अर्थ इंटीरियर इज शोर इन फिगर बी रेड कर्व इज फिगर बी एंड शो इज ग्रेविटेशनल फोर्स या बी में जो रेड कव है वो क्या बताता है हमें ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीजेस एट सर्टेन डेप फ्रॉम द सर्फेस एंड देन रिड्यूसेज अकॉर्डिंगली टू डेप्थ At the center, it is zero and as visible from the curve. Observe these figures minute, minutely, find various discontinuities in the density curve and show them on the figures. So these are the find out, imagine the earth's interior and write 10 10 to 12 sentences on it. What is World Earth Day? Why is it celebrated? So you all have to find out. This is just a small activity. So, students, now we are done with the whole chapter hope you understand this video so students please give a big thumbs up to this video subscribe to our channel like share and comment share with your friends and with your classmates and the students don't forget to check our playlist till then take care thank you